मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे YouTube चैनल तिब्बी मालूमात में आपका खैर मकदम वेलकम है। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे के साथ हाजिर हूँ। ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल है कि जिनके आज़ाए रईसा कमज़ोर हैं, यानी दिल कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है और मर्दाना ताकत की बहुत ज़्यादा कमी है, सेक्स पावर बहुत ही वीक है, हम बिस्तरी करने संभोग करने मन ही नहीं चाहता, ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा रिज़ल्टफुल है, बहुत शानदार इसका रिज़ल्ट है। जो लोग इसे बनाकर इस्तेमाल करेंगे और खाएंगे वो बहुत जल्दी ही इसके गुण गाने लगेंगे। आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ और जानते हैं कि किस तरीके से ये नुस्खा बनाना है और किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको करना ये होगा कि आप देसी मुर्गी के अंडे की जर्दी लें, मगज़े बादाम लें, गाय का घी लें, मिश्री, ताल मखाना, मगज़े पिस्ता और असली शहद, ये सारी दवाएं लें। इन सारी दवाओं को बराबर बराबर वज़न में लेना है। जितनी देसी मुर्गी के अंडे की जर्दी हो उतने ही वज़न के बादाम लें और उतनी ही वज़न में गाय का घी ले लें, उतने ही वज़न में मिश्री और ताल मखाना और उतने ही वज़न में असली शहद ले लें। जो दवाएं इसमें कूटने की हैं, जैसे कि ताल मखाना, मगज़े पिस्ता, मगज़े बादाम, इन्हें अच्छी तरह से बारीक करके कूट लें। फिर उसके बाद में एक मिट्टी के तशले में या मिट्टी के कूंडे में या मिट्टी की प्लेट में, अगर ज़्यादा दवा हो तो कूंडे में डालें, कम दवा हो तो मिट्टी की प्लेट में डालें और फिर इसे एक ऐसे डंडे से रगड़ें कि जिसके कोने पर, जिसके सिरे पर तांबे का सिक्का लगा हुआ हो। खूब जोरदार हाथों से रगड़ें। जब रगड़ते रगड़ते आपको ये लगे कि अब इनका पानी बंद हो गया और इनमें से तेल निकलना शुरू हो गया तो बस आप जो है इस दवा को हिफाजत से रख लें। आपकी दवा बनकर तैयार हो गई। अब इसके खाने का तरीका सुन लें, जितना आप बर्दाश्त कर सकें, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, जितना आप हजम कर सकें और बर्दाश्त कर सकें उतनी ये दवा सुबह शाम आप खाएं और ऊपर से थोड़ा सा दूध भी पी लें। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत आएगी और आपके अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग और लीवर ये सब मजबूत हो जाएंगे। लिहाजा नुस्खे को बनाइए और इस्तेमाल कीजिए।